ਸਰਕਰਸ਼ੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਤੇ MDSD ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਸਤਾਦ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਜਨ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਮੜਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। मैं सरदारी लाल शर्मा प्रधान श्री हरिनाम प्रचार मंडल मंदिर जानकी दास कपूरथला। साडे गुरु जी ने पूज्य पंछी जी ने जिहड़ा ये प्रोग्राम कराया है एक गल तो आप समझ गए अज कि जो जी गल मन च धार लैन और गुरु महाराज भी वो ईश्वर भी इन्हों की पूर्ति करते हैं भी जो इन शब्द कहते पूरे होने ही होने। अज असी सारा फंक्शन देख के इन्ने प्रसन्न होए हैं और सानू ये भी बड़ी शिक्षा दीक्षा मिली है। तो जिन्हें भी इतने पतवंते संतन शहर के या साडे चीफ गैसट या होर भी जिन्हें सज्जन इतने आए मैं उन्हें सारिया का धन्यवाद करदा। जय हिंद जय भारत। अज 1 अप्रैल 2023 का पवित्र दिन है। अज असी कपूरथला के मंदिर श्री जानकी दास विच लक्ष्य फाउंडेशन रजिस्टर्ड कनेडा वालों अज असी बच्चों का भजन गायन कंपीटिशन कराया है और सारे बच्चों नू प्राइजेस दे के कोई बच्चा असी ऐसा नहीं छड़िया जिन्हों असी प्राइज नहीं दिता चाहे वह किसी फस्ट सैकेंड थर्ड आया ज नहीं आया जिन्हें पार्ट लिया उन्होंने सबू असी प्राइज दिते है। शहर के मन्ने परमन्ने व्यक्तियों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है और ये साढ़े जलंधर तो डॉक्टर अरुण मिश्रा जी और श्रीमती अमिता मिश्रा जी मुख्य मेहमान के तौर पर आए और उन्होंने साढ़े इस प्रोग्राम की शान बधाया। श्री अशोक गुप्ता जी और उषा गुप्ता जी वो साडे गैसट ऑफ ऑनर से उन्होंने भी आके इस प्रोग्राम की रौनक बधाई। मैं सारिया का अपनी फाउंडेशन वालों क्योंकि मैं फाउंडेशन का चेयरमैन हाँ तो इस करके सारे आए हुए सज्जनों का भी और सारी मीडिया का भी सारी प्रेस का मैं अपने वालों तय दिलों उन्हों का मशहूर हाँ और मैं धन्यवाद कर पंछी जी थोड़े ध्यान कि सिंगिंग कंपीटिशन करा इस तरह वाग साई जी सा फाउंडेशन आ असी वालों वक् वक् प्रोग्राम करते हैं। इस फाउंडेशन किसी को डोनेशन नहीं लिया जाता असी अपने साडा परिवार ही करता है। असी फाउंडेशन वालों स्कूलों स्वैटर भी वंडे बच्चों स्कूलों के बूट भी वंडे असी कंबल भी दते। एक बार लक्ष्य के फाउंडेशन के नौं ते धर्म सभा वाले ने साड़ी सनातन धर्म सभा वाले ने सारे शहर के बड़े 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 दरख्त वृक्ष लगाए वो भी असी इस सभा वालों 101 प्लांट जोड़ा है वो असी उत्ता सी। हाँ इदा शमशान भूमि है उत्थे साडे सनातन धर्म सभा वाले ने एक पार्किंग लॉट बनाना सी वो भी असी
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लक्ष्य फाउंडेशन वालों वो भी अच्छी हिस्सा पाया। तो इस तरह साढ़े जोड़े काम आ धार्मिक भी और बच्चों सेवा वास्ते किसी कोई गरीब कंबल नहीं किसी को जुत्ती नहीं या किसी बच्चों फीस नहीं दे होंगी वह जो सानू अप्रोच करते हैं असी इस सभा वालों अपनी नमस्कार जी। अज अपनी तरह का एक पहला समागम होया जिदे छोटे बच्चों ने भजन गाया अगे तो बड़े होंगे कभी गजल हो गया शामे महफिल हो गई कोई मदन मोहन नाइट हो गई ये अपने तरह का एक पहला समागम है इस छोटे बच्चों ने अपने भजन के द्वारा सब का मन मोया तो मैं सबनों बहुत मुबारक दिना खालसा पंछी साहब न कि इन्ना वा उपराला किया सागर साहब न और सारे मित्रों कि इस तरह के फंक्शन होने चाहिए। मिश्रा जी तुम विश्व विख्यात तुम एक हस्ती हो संगीत जगत के अजकल जो संगीत चल रहा गाने आ रहे उन्होंने तुम की मैसेज देना चाहते हो? क्या कि संगीत देखो कोई वो नहीं है कि सब तरह के म्यूजिक लोग जो पसंद कर रहे वो हो रहा है लेकिन जो अजकल से संगीत है वो कोई जज्बा नहीं रह गया जो कल बीट रह गई जी बीट सुनो या वर्डिंग सुनो या जिन्हें भी तुम थले डिग सकते हो अश्लील हो सकते उस तरह का गाना उदा अच्छे गाने भी है कि ये नहीं कि गाने नहीं है बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गायक भी है जिहड़े गा रहे हैं संगीत हर तरह का है एक अप्सरा संगीत होंगे एक सरस्वती संगीत होंगे। तुहाडा की सर मैसेज है? मेरा मैसेज यह है कि हर तरह का गाना जरूर गाओ लेकिन इन्ने अपने आप में गिराओ ना कल पब्लिसिटी ले कि जो मर्जी कही जाओ जो मर्जी हो कर लो ये नहीं होना चाहिए घट्टो घट कोई गाने का अपनी एक म्याद होनी चाहिए ये गाने बड़े थोड़े टाइम ले आते तुसी हुण कि गाने सुनते कि ज़्यादा तो ज़्यादा यदि लाइफ एक महीने की लाइफ है जी पुराने गाने होने भी देख लो पचास साल तो पुराने गाने जो रिमिक्स हो रहे हैं सही कि गलत है? देखो गाना कोई भी गाना मैं वो नहीं समझ रहा रीमिक्स कोई हो रहा है कि उन्होंने रीमिक्स इस करके किया कि उ चला आ रहा है रीमिक्स जे उस तरह तो ही करन कि हाँ ठीक है जी जे वो फालतू की चीज़ पा रहे हैं वो ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा जी ओरिजिनल।